नमस्कार, आप देख रहे हैं अनुपम न्यूज। आइए रुक करते हैं आज की ताजा खबर की ओर। आईआईटी, आईएम, एम्स, वन डिस्ट्रिक्ट मेडिकल कॉलेज, हर घर नल की योजना, गांव गांव की बेहतरीन कनेक्टिविटी, यह गरीब के लिए आवास, पीएम आवास योजना में आवास, 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा, 70 वर्ष से ऊपर के हर एक बुजुर्ग को प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए की फ्री में स्वास्थ्य की सुविधा उपलब्ध करवाने का कार्य हो, या फिर अन्य अनेक गरीब कल्याणकारी योजनाएं, यह तो मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। लेकिन साथ साथ गरीब कल्याण भी है, विकास भी है, सुरक्षा भी है, सुशासन भी है, तो विरासत के प्रति सम्मान का भाव। अयोध्या में 500 वर्षों के बाद अयोध्या में फिर से भगवान राम की जन्मभूमि पर भव्य राम मंदिर का निर्माण हो गया है। भव्य राम मंदिर का निर्माण, यह काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। कांग्रेस को हिंदू भावनाओं की चिंता नहीं थी। बहनों और भाइयों, अयोध्या दुनिया की सुंदरतम नगरी बन रही है, भगवान राम की स्थली सुंदर बन रही है। लेकिन प्रश्न है, अयोध्या में यह अपमान 500 वर्ष पहले क्यों झेलना पड़ा था? राम मंदिर के 500 वर्षों तक क्यों संघर्ष करना पड़ा था? छत्रपति शिवाजी महाराज ने जिस स्वराज की संकल्पना को आगे बढ़ाया था, इसके लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? पेशवा बाजीराव को एक भारत एक राष्ट्र की संकल्पना के लिए संघर्ष क्यों करना पड़ा था? सामाजिक समता के लिए महात्मा फुले को क्यों आंदोलन करना पड़ा था? बहनों और भाइयों, एक विधान सब समान, इसका आह्वान करने वाले बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को क्यों संघर्ष करना पड़ा था? कारण था, हम बटे थे और बटे थे इसीलिए कटे थे। हम बटे थे इसीलिए कटे थे, और आज हम कहने के आए हैं, एक है और सेक है, एक है सेक है, यानी सुरक्षित है।